तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं द कॉप एंड द एंथम के क्वेश्चन आंसर्स तो क्वेश्चन नंबर वन है वो है व्हाट आर सम ऑफ ऑफ द साइंस अप्रोचिंग विंटर्स रेफर इन द टेक्स्ट तो टेक्स्ट के अंदर आ, ऐसी कौन सी साइंस हैं जिसके अंदर पता चलता है हमें कि विंटर आने वाला है द साइंस ऑफ द अप्रोचिंग विंटर इन द टेक्स्ट आर बर्ड्स टू वार्म साउथ मतलब जो बर्ड्स हैं बर्ड्स के मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू वार्म साउथ बर्ड्स जो हैं वो साउथ की तरफ जा रही हैं। द वुलन नीडेड बाय पीपल मतलब जो वुलेंस है मतलब जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वुल के उनकी जरूरत द डेड लीव्स कवरिंग द ग्राउंड मतलब जो सूखी हुई पत्तियां हैं विंटर के अंदर आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं तो उनके बारे में भी बताया गया है एग्जैक्ट आंसर होगा द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर्स रेफर्ड इन आर मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू वॉर्म साउथ द वुलन्स

सोपी हैड बीन टू प्रिजेंट सवरी टाइम्स ट्रू सोपी बहुत बारी प्रेजेंट के अंदर जा चुका था तो इसका आंसर होगा ट्रू इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सरवाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर यह भी क्या होगा आंसर ट्रू मतलब सर्दियों के टाइम पर सोपी के लिए बहुत मुश्किल था वहां पर सर्वाइव करना सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ अ पर्सनल नेचर मतलब पर्सनल कोई उससे क्वेश्चन पूछता था पर्सनल नेचर के तो वो वाले वो क्वेश्चन लाइक नहीं करता था ये भी ट्रू है क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान व्हाई डिड इट नॉट वर्क तो सोपी का फर्स्ट प्लान था कि ही वुड गो टू ईट एट रेस्टोरेंट एंड ही वुड टेल देम दैट ही हैड नो मनी दे वुड इमीडिएटली कॉल पुलिस एंड एंड पुलिस वुड अरेस्ट हिम बट एज सून एज ही पुट हिज फुट इन द रेस्टोरेंट द वेटर ब्लॉक दिस एंट्री दिस इज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क तो जो फर्स्ट उसका प्लान था वो यही था कि वो एंटर करे रेस्टोरों के अंदर और खाने की चीज ले ले और पैसे ना दे तो वो पुलिस को बुलाएंगे और उसको अरेस्ट करवाएंगे बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी व्ट डिड दो वॉट डि द कॉप नॉट कंसिडर एंड वाई मतलब जो सोपी को कंसिडर नहीं करा कॉप के माइंड ने द पुलिस मैन डिड नाट बिलीव दैट सोपी हैड ब्रोक इन क्लास the reason for that was no criminal would stop and talk to policeman matlab koi bhi criminal nahi rukega aur baat nahi karega police wale se aur nahi bolega ki usne crime kara hai question number 5 hai he have orders to let them shout what is the policeman referring to the तो yahan पर policeman क्या चीज बताना चाह रहा है? the policeman means to say that he had got orders to not arrest the अनरूली एंड शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो पुलिस मैन के पास ऑर्डर था वो ये था कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे चिल्लाते विल्लाते थे तो उनको उनको अरेस्ट नहीं करना ये उसके पास ऑर्डर्स थे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रू फॉल्स सोपी स्टोला मैनस अम्ब्रेला ट्रू द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी ट्रू द मैन हैजोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज ट्रू सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला ट्रू तो ये सारे ही ट्रू है क्वेश्चन नंबर सेवन देर वॉज अंडरफुल चेंज इन सोल सोपी सोपी के अंदर चेंजेस आए थे वो किस चीज से आए थे द साइट ऑफ द होम वेयर सोपी हेट्स पेंट हिस चाइल्ड हुड सडनली चेंजेज आउटलुक तो जो उसके घर का रास्त, जो घर का उस, उस जहां पर, जहां पर उसने अपने बचपन बिताया था वो जगह देखकर काफी ज्यादा उसके अंदर चेंज आ गया था The old memories of his mother and the sweet music revived his love for a decent life. He decided to work and become somebody in his life. तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर आती हैं तो ये हमारा यहीं पे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट्स एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब